morning students, you are watching RCI Education Hub channel. In this video we are providing best education to you all. Okay, chapter number 5 in 10th class geography portion. First video you have already seen, and second video today is starting. So in this video we are talking about the classification of minerals. जो आपने पहले ही वीडियो में देख लिया था, फिफ्थ चैप्टर के जो मिनरल्स वाला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको मिनरल्स को किस तरह से ऑप्टेन किया गया था, मिनरल्स को किस तरह से कहाँ कहाँ पे वो मिलता था, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। इस वीडियो में आप थोड़ा सा ये देखोगे कि मिनरल्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया, और मिनरल्स को किस तरह से क्लासीफाई करने के साथ साथ मैंने आपके यहाँ पे एक बोर्ड पे आपको जो दिख रहा है, एक फ्लो चार्ट भी मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है, जिससे कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो लिखने में, इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने इसको पहले ही बना दिया है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहला आया मिनरल्स को कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आपने लिख दिया मेटेलिक, सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक, और थर्ड वन इज एनर्जी मिनरल्स। तो आपने कितनी कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, तीन कैटेगरी में। तो तीन कैटेगरी अगर बात की, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मेटेलिक की अगर बात की जिसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक की अगर बात की जिसमें मेटल कोई होता ही नहीं है, एनर्जी रिसोर्स वो होता है जिसमें आपको एनर्जी मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। तो जैसे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटेलिक रिसोर्स और मेटेलिक मिनरल्स, सो इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इट विल बी फर्दर क्लासीफाइड और इट विल बी फर्दर कैटेगराइज इन टू सेक्शंस, वन इज फेरस और सेकेंड इज नॉन फेरस। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फेरस कंटेंट और फेरस मिनरल्स, इन दिस कंटेंट और इन द टर्म ऑफ फेरस, दोज मिनरल्स और दोज मेटल्स हु हैज आयरन और इन देयर इन साइड। मीन्स कहने का सिंपल सा ये तरीका ये है, सिंपल सा मीन यहाँ पे है कि फेरस मिनरल्स की अगर बात करें, तो फेरस मिनरल्स जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक में भी एक लिखा हुआ है आयरन, कि जिनके अंदर आयरन का प्रेजेंस हो या जिनके अंदर आयरन का कुछ परसेंटेज हो, उनको हम फेरस बोलते हैं। जिसमें अगर बात करें आयरन हो गया, मैगजीन हो गया, और उसके बाद में निकल कोबाल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनमें आयरन का प्रेजेंस होना जरूरी होता है, प्रेजेंस होती ही होती है, तो इनको हम कहेंगे क्या बताओ, क्या कहेंगे हम इनको, फेरस। ठीक है स्टूडेंट्स, अनदर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड कंटेंट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स, सो इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इन नॉन फेरस। तो हम नॉन फेरस की अगर बात करें, अब इसको हम सिंपल और भी अच्छे से समझ जाएं, कि जिनमें लोहे का अमाउंट नहीं होता है, इनमें तो क्या था, लोहे का अमाउंट था, पर इनमें क्या है, लोहे का अमाउंट है नहीं, मतलब आपको आयरन यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं किसमें मिलेगा, कॉपर में आपको मिलता नहीं है, लेड में आपको मिलेगा नहीं, टिन में भी आपको आयरन नहीं मिलता, बॉक्साइड में नहीं मिलेगा, लाइमस्टोन में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी सॉरी लाइमस्टोन तो दूसरे का हो गया, ये सारी ये जो एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल आपको किसके दिए गए हैं, नॉन फेरस के एग्जाम्पल है। ठीक है, अनदर वन, जब नॉन मेटेलिक की अगर बात करें, तो इट्स ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इन सेकेंड टर्म नॉन मेटेलिक। इन द टर्म ऑफ नॉन मेटेलिक वी कैन सी और वी कैन आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ मिनरल्स दोज हु डज नॉट हैव मिनरल क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ देयर इनसाइड। सो इन द टर्म ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, सो वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन इंडिकेट टू सच टाइप ऑफ मिनरल्स आर देयर, सो विच वन इज देयर, माइका इज देयर, सॉल्ट इज देयर, पोटाश इज देयर, सल्फर इज देयर, ग्रेनाइट इज देयर, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन। इन दीज ऑल आर एग्जाम्पल विच आई रोट ऑन द बोर्ड, यू कैन सीन और यू कैन इमेजिन और यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, इन दीज ऑल मिनरल्स देर इज नो प्रेजेंस ऑफ आयरन इन देयर इन साइड। कि अगर जब यहाँ पे माइका की बात करें, सॉल्ट की बात करें, या पोटास की बात करें, सल्फर की बात करें, तो इनमें किसी तरह का कोई मिनरल्स आपको दिखेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं। सो ये कैटेगरी आपके नॉन मेटेलिक में आती है। थर्ड वन आपकी जो कैटेगराइजेशन किया गया है, उसमें था एनर्जी मिनरल्स। तो एनर्जी मिनरल्स की अगर बात करें, तो एनर्जी मिनरल्स जैसे आपको नाम से पता चला, जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, वहाँ से कोल से मिलती है, कोल को आप बर्न करते हो, वहाँ से एनर्जी आपको हीटिंग मिलती है। ओके, अनदर वन पेट्रोलियम की अगर बात करें, तो जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल डाल के चला रहे हो, तो वो भी एनर्जी दे रहे हैं। ओके, नेचुरल गैस, वेन एवर वी वॉन्ट टू प्रिपेयर और कुक फूड एट आवर होम, सो विच थिंग इज रिक्वायर्ड ऑफिशियली, नेचुरल गैस इज देयर। मम्मा जब खाना बना रही है, तो किस पे बना रही है, नेचुरल गैस होती है, जिसमें एलपीजी या सीएनजी होती है, तो वो वहाँ से आपको क्या मिलती है, बताओ, भूल गया मैं,
एनर्जी रिसोर्स में या एनर्जी मिनरल्स में आपने लास्ट क्या पढ़ा था, नेचुरल गैस, यू गेट दैट। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं फेरस की। अगर बात करें तो फेरस में आयरन ओर था, तो आयरन ओर के हम यहाँ पे एक छोटा सा कंटेंट इसी में देख लेते हैं आयरन ओर को, कि आयरन ओर कहाँ से होता है, या आयरन ओर की अगर बात करें तो आयरन ओर में जो किस तरह से यूज किया जाता है, या आयरन ओर को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आयरन ओर को दूसरे नाम से ये जाना जाता है कि ये इंडस्ट्री की बैकबोन है। क्या है? इंडस्ट्री की बैकबोन। बैकबोन इसलिए है क्योंकि कितनी भी जो इंडस्ट्री है, कोई सी भी इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी हो, कोई छोटी हो, या लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो, उसमें जब आपका प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन किससे होगा? टूल से, मशीनरी से। और वो टूल्स और मशीनरी किसकी बनी होगी? आयरन की। तो हम कह सकते हैं कि आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। विदाउट आयरन वी कैन नॉट बी रन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री और मशीनरी। सो स्टूडेंट्स, you get that about iron ore is the backbone of industry and it's a very 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 useful mineral in our country. okay, iron ore ki agar baat ki to iron ore ko bhi aur abhi further classification ki agar baat ki to isko do category mein divide kiya gaya, ek ko magnetite mein kiya gaya aur ek isko hematite mein kiya gaya. to magnetite ki agar baat ki to isme kya tha, isme ye likha gaya tha magnetite, ये मैग्नेटाइट है। इसमें मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो मैग्नेटाइट में क्या किया गया था, इसमें 70% हीटिंग पावर होती है, ये एक्सेलेंट होता है और इसका यूज़ ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। सेकेंड वन हेमेटाइट की अगर बात करें तो हेमेटाइट का मीन क्या था, ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रियल यूज़ में किया जाता है क्यों? क्योंकि इस तरह के आयरन से हमारे यहाँ पे जितने भी जो टूल्स होते हैं, जितने भी जो मशीनरीज होती हैं, वो होती हैं, वो बनाई जाती हैं। तो इसका यूज़ हम कह सकते हैं हेमेटाइट का इंडस्ट्रियल यूज़ में, और आयरन ओर का हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने मिनरल का क्लासिफिकेशन देख लिया है। सो आगे के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे।